के बारे में बताएंगे। एक वैज्ञानिक था डॉक्टर जॉर्ज साइमन मून। इस वैज्ञानिक ने जैसे ये चालक तार है, इस चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर और चालक में बहने वाली विद्युत धारा आई के बीच एक संबंध दिया है जिसे ओम के नियम से जाना जाता है। ओम का नियम कहता है कि यदि किसी चालक, बच्चों यहां ए भी क्या है, चालक तार है, जैसे लोहे का तार, चांदी का तार है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर चालक में बहने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। या यूं कहिए कि चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर और चालक में बहने वाली जो धारा है, इसका जो अनुपात होता है ये कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है। वी प्रोपोर्शनल आई कहे या वी अपॉन आई बराबर कांस्टेंट है। बच्चों जब वी बराबर करेंगे यहां तो आर इंटू आई आएगा, यहां से आएगा V अपान I बराबर R, ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी V बराबर I इंटू R, V बराबर I इंटू R। ये सूत्र जो हमें मिलता है ये ओम के नियम से मिलता है। बच्चों ये जो सूत्र देख रहे हो, इस सूत्र में V क्या है, चालक, इसलिए चालक है AB, इसके ये दो सिरे हैं ए और बी, इसके सिरों के विभव में अंतर। बच्चों ये सिरा धन सिरा से जुड़ा है बैटरी के, और ये सिरा ऋण सिरा से जुड़ा है, तो इसका विभव अधिक है और इसका विभव कम है, इसका विभव धनात्मक है, इसका विभव ऋणात्मक है। तो बच्चों धारा किधर से किधर बहती है, ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो यहां इसके विभव में जो अंतर है वही है विभवांतर V, तो V बराबर I इंटू R। ये जो समीकरण बच्चों देख रहे हो ये Y बराबर MX, इस प्रकार का समीकरण है Y बराबर MX। बच्चों यदि X अक्ष पर और ये वाई अक्ष है, यदि इधर हम वी ले ले और इधर आई ले ले, या इधर आई ले ले और इधर वी ले ले, एक ही बात, वी और आई के बीच हम ग्राफ खींचे तो हमें एक सीधी रेखा मिलती है, एक सीधी रेखा। क्यों? क्योंकि वी बढ़ेगा तो वाई बढ़ेगा, वी घटेगा तो वाई घटेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो V और I के बीच ग्राफ खींचने पर एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, ऐसा धातुओं के लिए पाया जाता है, धात्विक तार के लिए पाया जाता है, मैटालिक वायर के लिए पाया जाता है। जो परिपथ ओम के नियम का पालन करती है उसको ओमीय परिपथ कहा जाता है, ओमीय परिपथ। बच्चों कुछ ऐसे भी परिपथ हैं जो ओम के इस नियम का पालन नहीं करते, जैसे इधर हम और इधर, इधर वी ले ले विभवांतर, इधर विद्युत धारा ले ले, ग्राफ खींचे तो अब देखो जैसे ऐसे वक्त मिल रहा है, तो बच्चों इस प्रकार का वक्त मिल रहा है, सीधी रेखा नहीं मिल रही है। ऐसा मिलता है यदि हम टॉर्च का बल्ब ले लें, टॉर्च का बल्ब,
उसमें जो धारा प्रवाहित करेंगे और उसमें जो विभवांतर होगा तो उसमें इस प्रकार का वक्र मिलेगा। तो यहां ओम के नियम का पालन नहीं हो रहा है तो यह कैसा परिपथ बोला जाएगा? अन ओमीय परिपथ, नॉन ओमिक सर्किट। परिपथ को अंग्रेजी में सर्किट कहते हैं। तो ये दो ढंग के सर्किट होते हैं, ओमिक सर्किट, नॉन ओमिक सर्किट। इसी प्रकार बच्चों यदि हम इधर वी ले लें, इधर आई ले लें और हम एक डायोड वाल्व, डायोड वाल्व के लिए ग्राफ खींचे, ये डायोड, तो इसके लिए भी हम क्या पाते हैं कि हमें सीधी रेखा नहीं मिलती है, ये भी अनोमीय परिपथ का उदाहरण है। तो ऐसा होता है। ये था ओम के नियम के बारे में।